हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे WW फिट ऐप को कनेक्ट करेंगे स्मार्ट वॉच से। तो गाइस, बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज़ हैं और सीरीज़ की भी वॉच आती है जिसमें WW फिट कनेक्ट होता है। ये सीरीज 7 क्लोन है, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो WW फिट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है WW फिट ऐप स्टोर में जाके। तो यहाँ आपको सर्च करना है WW फिट। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि WW के बाद स्पेस नहीं डालना है, आपको सिर्फ WW फिट पे क्लिक करना है। तो मैंने ऐप तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, पर अभी अपडेट आ गया तो मैं अपडेट कर रहा हूँ। मैं अभी आपको ऐप खोल के दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ओपन का ऑप्शन आ चुका है WW फिट में। तो अब ये WW फिट मैंने खोल दिया है। तो WW फिट एक्सेस मांग रहा है ब्लूटूथ के लिए, और मैं सेटिंग्स में जाके इसको एक्सेस दे देता हूँ। तो बस इजीली आपको ब्लूटूथ ऑन कर देना है WW फिट के लिए और डिवाइस पे जाना है। तो अब आप यहाँ डिवाइस पे जाओगे, तो अब ये सब ऑन करने के बाद आप देखोगे कि ब्लूटूथ भी ऑन है, पर लोकेशन आईफोन में ऑन करनी नहीं पड़ती है क्योंकि लोकेशन ऑलरेडी आईफोन में ऑन होती है। तो अब आपको डिवाइस कनेक्ट करना है, तो आप डिवाइस पे जाके डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक ऐप में आप हमें डिवाइस पे जाके कनेक्ट करना पड़ता है, पर इसमें नहीं। तो इसमें आपको होम पेज पे जाना है और होम पेज पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा प्लीज़ कनेक्ट द डिवाइस, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड करना है डिवाइस पे। तो अभी फ़ोन डिवाइस सर्च करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ सीरीज 6 लिख के आ रहा है। तो वॉच के नाम है सीरीज 6, सीरीज 7, तो वो मैटर नहीं करता है, कोई भी वॉच हो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। तो आपको उसको कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ लिख के आ जाएगा सीरीज 6। तो अब ये वॉच कनेक्टेड है अपने ऐप से, यहाँ ऊपर लिख के आ चुका है सीरीज 6, यहाँ लिख के आ चुका है कि वॉच में कितनी बैटरी है, और यहाँ से अब पूरे ऑप्शंस खुल जाएंगे। और अगर आपको चेक करना है कि वॉच कनेक्टेड है कि नहीं, तो आप सिंपली फाइंड पे क्लिक कर सकते हो और वॉच फाइंड हो जाती है। तो अब आप यहाँ से हार्ट रेट चेक कर सकते हो और यहाँ सेट कर सकते हो कि कितनी देर में हार्ट रेट वॉच में होनी चाहिए, मतलब चेक करना चाहिए वॉच में खुद ने। तो अभी मैं इसको 0 पे रख रहा हूँ। अगर आपको सेट करना है तो आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। यहाँ से अब मैसेज पुश है, अगर आपको वॉच में मैसेजेस चाहिए फ़ोन के तो आप इसको भी ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ से अलार्म सेट कर सकते हो, आप आपकी वॉच में ऐड पे क्लिक करके आप जो भी अलार्म सेट करोगे वो वॉच में रिंग हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर के जैसे भी काम करता है वॉच में। तो अब मैं बैक आ जाऊंगा और हमें यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम रिमाइंडर ऑन कर सकते हैं। ये सेटिंग का रिमाइंडर है कि आप कितनी देर बैठोगे तो आपको वॉच रिमाइंड करेगी। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, जैसे कि हाँ आप 6 मिनट का इंटरवल या फिर कितने टाइम से स्टार्ट होना चाहिए, ये सब आप सेट कर सकते हो। और WW फिट में आपको यहाँ जो फर्स्ट फेस है यहाँ आपको GPS का मिल जाता है कि आप कितने किलोमीटर चलते हो, और यहाँ आपको स्टेप्स आ जाएंगे कि आपको कितना गोल सेट करना है वो भी सेट कर सकते हो यहाँ। जैसे कि 4000 स्टेप्स होता है, आप फुल 4000 भी कर सकते हो, और यहाँ से आप आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये सब चेक कर सकते हो। और मेन फीचर की बात करूँ तो आप यहाँ से डायल पोश में जाके वॉलपेपर सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप ऐप को अपडेट करते रहोगे तो आपको कई सारे वॉलपेपर्स आते रहेंगे। तो ये ऐप के अंदर के वॉलपेपर्स हैं कि आपको ऐप के अंदर का जो भी वॉलपेपर पसंद है आप वो सेट कर सकते हो, और आप यहाँ कस्टम डायल पे क्लिक करके अपना खुद का वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है सिलेक्ट डायल फॉर बैकग्राउंड, तो अब यहाँ ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है, एल्बम से सिलेक्ट करना है या फिर कैमरे से। तो अब यहाँ एल्बम में आप क्लिक करोगे तो यहाँ सब एल्बम्स खुल जाएगी, तो आप इसमें से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। और फोटो में एक ख़ास बात है ये वॉच की कि आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करोगे तो बहुत HD में आएगी। अब मैं ये वाली फ़ोटो को ले रहा हूँ और
आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है, मैं इसे ओके पे क्लिक कर दूंगा। और अब आप इसमें ये भी सेट कर सकते हो कि आपको डिजिटल चाहिए या क्लॉक चाहिए, और क्लॉक के स्टाइल भी देख सकते हैं, कई सारे स्टाइल्स हैं। तो क्लॉक तो मैं डिजिटल ही ले लेता हूँ, और डिजिटल में है आप कलर भी चूज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा यहाँ रेड कलर ले लेता हूँ, और यहाँ मैं पोजीशन भी सेट कर सकते हो, सेंटर साइड। तो मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने सेंड के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक किया। तो अब ये जो फोटो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी वॉच में। आप देख सकते हो यहाँ परसेंट भी लिख के आ रहा है कि कैसे अपलोड हो रही है, कितना टाइम लगेगा इसको। और ये बहुत ही इजीली और अच्छी तरीके से वॉच में सेट हो जाती है। तो ये देखिए 100 लिख के आ चुका है, इसका मतलब वॉच में फोटो सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि फोटो सेट हो चुकी है वॉच में, तो ये काफ़ी अमेजिंग लग रही है। और ये एकदम HD है, क्योंकि जो सीरीज 6 की वॉच होती है ना, सीरीज की क्लोन है ये सीरीज। तो आप देख सकते हो कि क्लोन है, तो क्लोन में वॉलपेपर्स और ही अच्छे लगते हैं। तो आप यहाँ से फोटोस सेट कर सकते हो, और यहाँ से अगर आपको कोई भी वॉलपेपर अच्छा लगा तो आप वो सेट कर सकते हो। अब जैसे कि ये लाइव वॉलपेपर है फरारी का, तो ये ऐप की खास बात है कि आप इसमें लाइव वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो, पर इसे लाइव वॉलपेपर को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये लाइव वॉलपेपर है जो मैंने वॉच में सेट किया, और ये कितना अमेजिंग लग रहा है। आप देख सकते हो कि कंटिन्यू फोटो जो है वो चल रही है, क्योंकि ये लाइव वॉलपेपर है। स्टेप्स भी लिख के आ रही नीचे, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है वॉच में। तो गाइज आप इसमें लाइव वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो WW फिट में आईफोन से। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू। Thank you.